संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को यह फैसला लिया गया कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। यह फैसला युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा 1998 में दिए गए सुझाव के बाद लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार साल 2000 में किया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए सबसे पहले एक थीम जारी की जाती है। इसी थीम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र एक कार्यक्रम करता है जिसमें युवाओं को भाग लेने का मौका दिया जाता है। आज के दिन देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं और जिसमें वहां की सरकारें और गैर सरकारी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं, जहां विचार विमर्श किया जाता है कि कैसे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनकी सकारात्मक शक्ति का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी, सामाजिक, राजनीतिक और आविष्कार करने वाले युवा को सम्मानित किया जा सके, जहां परिवर्तन अनेकों उपलब्धियों, सुविधाओं और चमत्कार लेकर आ रहा है, वहीं वर्ग के लिए तीव्र गति से भागने की क्षमता की चुनौती भी ला रही है, ताकि युवा वर्ग इतना क्षमतावान हो कि तेजी से हो रहे परिवर्तन को समझ सके, उसे अपना सके, नई खोज, नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर अपने कार्यशैली में परिवर्तन कर सके। आज के युवा वर्ग को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होना आवश्यक हो गया है। यह प्रतिस्पर्धा एक ओर समाज को सुख शांति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और दूसरी तरफ चिंता, निराशा, व्यसन और बेलगाम उपद्रव की ओर आगे बढ़ा रही है। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को मोटिवेट किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। इसका उद्देश्य इस संदेश को बढ़ाना है कि एजेंडा 2030 और 17 SDG को प्राप्त करने के लिए सभी पीढ़ियों से कार्रवाई की आवश्यकता है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम सबको प्रेरित करता है कि हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। चूंकि चर्चा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की चल रही है, तो चलिए सुनते हैं रमेश दत्त की वार्ता वर्तमान समय में समाजोत्थान में युवा वर्ग की भूमिका विषय पर। गंभीरता से विचार करें और वेदादि सत्य शास्त्रों का